हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है स्टैंडर्ड 9th का हिंदी सब्जेक्ट, जिसका नाम है जूलिया। ये टोटली बेस्ड है रशियन स्टोरी पे, मतलब ये इंडियन स्टोरी नहीं है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और इसे लिखा गया है आंतोन चेकफ ने। स्टोरी कैसी है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको लास्ट में पता चलेगा। ये स्टोरी आप लोग ही डिसाइड करोगे कैसी है, बिकॉज़ अभी मैं अगर बताने जाऊंगा तो आप लोगों को वो मज़ा नहीं आएगा सुनने को स्टोरी। ओके, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स, कहानी को सिंपलर बनाने के लिए मैं पहली बात कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। कैरेक्टर्स तो कुछ खास नहीं है, दो ही है मेन लीड पे। पहले है गृहस्वामी, जिन्हें हम सिंपलर टर्म्स में मालिक कह सकते हैं, घर के किसी घर के मालिक। एंड सेकेंड वन इज़ ऑब्वियसली जूलिया, टाइटल से आप समझ सकते हो। तो गृहस्वामी एंड जूलिया, ओके, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब गृहस्वामी के बारे में तो कुछ कहना है नहीं, ऑब्वियसली वो घर के मालिक है, उससे आपको पता चल सकता है कि उनके पास शौहरत और दौलत दोनों है। उनके बारे में कुछ खास कहना है नहीं, बल्कि जूलिया के बारे में बहुत कुछ कहना है। तो पूरी स्टोरी जूलिया से ही रिवॉल्व होती है उनके, उसके बारे में ही। लेकिन जूलिया कौन है? जूलिया इज़ अ शाई स्टूपिड डम टाइप ऑफ अ पर्सन, जो गृहस्वामी के घर पे काम करती है। और गृहस्वामी के घर पे क्या काम करती है वो बेसिकली क्वेश्चन है। गृहस्वामी के दो बच्चे हैं, एक का नाम है कोल्तिया एंड सेकेंड वन इज़ वानिया। उनका ख्याल रखती है, उनका पढ़ाई लिखाई सब कुछ जूलिया देखती है। और जूलिया की एक बहुत ही बोलते ना, इसे हम कह सकते हैं उनकी उसकी कमज़ोरी है, वो पगार मांगने के लिए, जब भी वो ऐसे चीज़ों में मतलब वर्क प्लेस में रहती है तो वो पगार मांगने के लिए बोलते ना कतराती है। वो ऐसी करती है जैसे कि उसको पगार चाहिए ही नहीं, उसको पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, वैसे टाइप का उसका एटीट्यूड रहता है। तो स्टोरी कैसी शुरू होती है? स्टोरी बेसिकली गृहस्वामी से शुरू होती है। गृहस्वामी ये सब देख करके, जूलिया के ऐसा कुछ एटीट्यूड और ऐसे टाइप का डम बिहेवियर देख करके, वो गृहस्वामी जूलिया को सबक सिखाना चाहता है। तो स्टोरी कैसे शुरू होते है? देखो, तो क्या होता है कि एक दिन गृहस्वामी जो है जूलिया को बुलाता है, मतलब पगार देने का वक्त आ जाता है कुछ ऐसा बोल के वो बुलाता है जूलिया को और बोलता है, तो जूलिया आ जाती है, जूलिया को बोलता है कि सामने आके बैठ जाओ। तो पहली बात, गृहस्वामी जूलिया से सवाल पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें पर मंथ सैलरी 30 रुबल है? टू विच जूलिया रिप्लाइज़ कि नहीं, मेरा पर मंथ सैलरी 40 रुबल्स कहा गया है। और उसके बाद वो थोड़े से भड़क जाते हैं गृहस्वामी और डायरी दिखाना शुरू करते हैं कि नहीं, तुम्हें तो 30 रुबल ही मुझे पे करना है। रूबल्स की अगर हम बात करें तो ये रशियन करेंसी है, तो जैसे हमारा यहाँ रुपीज़ की बात करते हैं वैसे वहाँ पर रूबल्स कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। उसके बाद गृहस्वामी पूछते हैं जूलिया को कि तुम्हें आए काम किए हुए कितने महीने हो गए? तो वो बोलती है, जूलिया कहती है कि नहीं, मुझे तो 2 एंड कुछ इतने से दिन हो गए। तो गृहस्वामी बोलते हैं कि नहीं, मैं तो तुम्हें 2 महीने का एग्जैक्ट सैलरी देना चाहता हूँ। तो पर मंथ सैलरी कितना था? 30 रुबल। तो 2 महीने का कितना होगा? 60 रुबल। अब यहाँ पर क्या करता है, पगार देने के जगह गृहस्वामी करता है ये है कि वो पैसे काटना शुरू करता है। ओके, तो किस तरह से पैसे काटता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहली बात तो 60 रुबल में से वो 12 रुबल काट लेता है, क्योंकि 9 इतवार यानी कि 9 संडेज को वो छुट्टी लेती है जूलिया, और 3 रैंडम दिन भी वो छुट्टी लेती है। तो 9 + 3 कितना होता है? 12। तो वो 12 रुबल्स एग्जैक्टली काट लेता है 60 रुबल में से, जिसमें से 48 रुबल बचते हैं अभी। ठीक है, याद रखना, अभी 48 रुबल्स बचते हैं। तो ये जो 48 रूबल्स बचे थे उसमें से गृहस्वामी और 7 रूबल काट लेता है, जस्ट बिकॉज 7 दिन तक बच्चे बीमार थे गृहस्वामी के। जो कोल्तिया था वो 4 दिनों तक बीमार था, और वानिया था वो दांत दर्द के वजह से 3 दिन तक वो भी बीमार था। तो गृहस्वामी की जो वाइफ थी उसने सोचा कि अभी कुछ पढ़ाना या देखभाल करने का कोई मतलब नहीं जूलिया का, तो उसको छुट्टी दे देती है गृहस्वामी की वाइफ। तो यहाँ पर 7 रूबल्स काट लिए 48 रूबल में से, तो बचता कितना है अभी देने को? 41 रूबल्स। उसके बाद जनवरी में क्या होता है कि जूलिया के हाथ से गलती से चाय का कप और प्लेट टूट जाता है। तो उसमें क्या करता है, अभी ये जो गृहस्वामी है याद दिलाता है और 2 रूबल यहाँ पर काटता है, तो 41 - 2 कितना होता है? 39 रूबल्स बचते हैं। मतलब सोचो, 60 रूबल से सीधा 39 रूबल्स तक पहुँच गया। अब देखते और कितना काटता है। तो गृहस्वामी और 10 रूबल काट लेते हैं, जस्ट बिकॉज जूलिया ने ध्यान नहीं दिया होता है, और उसके ध्यान ना देने की वजह से उसके बेटे का कीमती जैकेट फट गया होता है। और उसके बाद 10 रूबल कटने के बाद 39 - 10 कितना होता है? 29 रूबल्स बचते हैं। अब 60 से अभी 29 रूबल्स। अब देखते हैं और कितना काटता है। फिर उसके बाद और बरकत नहीं था गृहस्वामी ने, तो वो और 5 रूबल काटता है, जस्ट बिकॉज उसने यहाँ पर भी ध्यान नहीं दिया होता है जूलिया ने, क्योंकि उसके घर में जो नौकरानी आती है उसने
अब उस मतलब गृहस्वामी के बेटे का जूता चुरा करके लेके गई थी, तो 5 रुपल और काट लेता, तो 29 - 5 कितना होता है अभी, 24 रुपल बच जाते देने को। इसके बाद तो गृहस्वामी ने हद पार कर ली। अब मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी आप सुनकर आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। 24 रुपल बचते हैं, राइट, अब तक हम समझ गए। तो जूलिया को कहने लग जाता है कि मैंने तुझे 10 रुबल दिए थे 10 जनवरी को, तो वो पैसे भी मैं अभी काटने जा रहा हूँ। तू विच, जो जूलिया शांत खड़ी थी, चुपचाप डम की तरह सुनते जा रही थी विदाउट इवन क्वेश्चनिंग, वो कहने लग जाती है कि मुझे तो कोई 10 रुबल मिले ही नहीं। तो ये भड़क जाता है गृहस्वामी और डायरी दिखाने लग जाता है कि नहीं, मैंने तो यहाँ पर लिखा है कि तुझे मैंने 10 रुबल दिया था 10 जनवरी को। तो चुपचाप खड़ी रह जाती है और वो कुछ नहीं बोलती है, और वो गृहस्वामी अपने जिद में अड़ा रह के 10 रुबल काट लेता है। तो अभी कितना बचता है, 24 रुबल से 10 रुबल काटने के बाद 14 रुबल। उसके बाद तो यार ये जूलिया होती है, वो कहती कि नहीं, मेरे को एक बार मालकिन ने, मतलब गृहस्वामी की वाइफ ने 3 रुबल दिया था, 3 रुबल ना, सिर्फ 3 रुबल। तो ये सुन के गृहस्वामी बोलते हैं हाँ, वो भी मुझे काटना पड़ेगा। तो 14 रुबल में से 3 रुबल काटने पर अभी कितना उसको देना है, 11 रुबल। तो वो बोलते हैं कि ये लो तुम्हारा 11 रुबल एज अ सैलरी 2 महीने का। तो ये जो है जूलिया, वो लेती है हाथ में और चुपचाप खड़े रहती है, और फिर उसके बाद वो धन्यवाद कहने लग जाती है। नाउ कम्स द स्पॉयलर ऑफ द स्टोरी, और ये स्पॉयलर सुन के आप कसम से दुनिया से आपका भरोसा उठना शुरू हो जाएगा। वो ऑलरेडी कोरोना से तो हो चुका है। क्या होता है कि गृहस्वामी जो है वो एक्चुअल में हिसाब किताब के नाम पे जूलिया के साथ प्रैंक कर रहा था। प्रैंक का मतलब है मजाक कर रहा था। वो एक्चुअली जूलिया को सबक सिखाना चाहता था, वो एक्चुअली एक तरह से समझाना चाहता था जूलिया को कि इस तरह की हरकतें नहीं करते, तुम ईमानदार रहो, डम क्रिएचर बनने की कोशिश मत करना। क्योंकि जूलिया का क्या स्वभाव था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वो एक डम थी, वो शाई टाइप की लड़की थी। वो जहाँ भी काम करती थी उसको कभी कोई पे नहीं करता था सैलरी, और वो पूछने का को भी नहीं सोचती थी कि भाई मेरे को सैलरी मांगना है, ऐसा कुछ नहीं सोचती थी। तो गृहस्वामी ने इस चीज़ को देख के, इस तरह का क्वालिटी देख के जूलिया को सबक सिखाने का सोचा, और फिर वो कहने लग गया कि ये सब मजाक था, तुम्हें 11 रुबल्स मेरे को देने का कोई शौक नहीं है, तुम ईमानदारी से काम कर रही हो, तुम्हारी ईमानदारी मेरा, मतलब गृहस्वामी कहता है कि तुमने मेरा दिल जीत लिया है। लेकिन कहीं भी आप काम करते हो, या मैं सभी को कहना चाहता हूँ, कहीं भी आप काम करो, आप लोग अपना हिसाब पहले मांगने जाओ, आपका सैलरी मांगने जाओ। अगर वो पर्सन नहीं देता हो तो आवाज़ उठाओ, चुप मत रहना। तो ये ही पर्टिकुलर टॉपिक में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, हम सबको एक मॉरल सीखने को मिलता है यहाँ पर। तो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बोला कि मुझे कैसा लगा ये स्टोरी, मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा, तो आपका थोड़ा मजाक किरकिरा हो जाता। तो ये जूलिया समझ जाती है, और उसके बाद वो भी थोड़ा सा रियलाइज़ करती है कि वो जो कर रही थी वो गलत था। सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आया हो, मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी। मैं स्टार्टिंग में बोला नहीं इसीलिए क्योंकि मुझे लगा कि यार ये स्टोरी पहले समझाऊँ, उसके बाद मैं अपना रिएक्शन दूँ, अपना ओपिनियन दूँ कि मुझे कैसा लगा। तो बढ़िया था स्टोरी यार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करना ना भूले, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इंस्टाग्राम पर भी हो @DangelFriend28, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, फॉलो करो जाके यार। और डोनेट करना चाहोगे तो मोस्ट वेलकम, डिटेल इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।